हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अपना पीवीसी पाइप के डी जॉइंट हम लोग कैसे लगाएं उसके बारे में। हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ये देखिए दोस्तों, जी एक हमारा पीवीसी का पाइप बीच में से कट गया है। अब दोस्तों इसमें हम लोग सॉकेट भी नहीं लगा सकते और ना ही हम लोग इसमें कोई और चीज़ लगा के कि इस जॉइंट को फिक्स कर सकें। इसके लिए हमें जो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा वो है डी जॉइंट। वैसे दोस्तों हर जगह जैसे ये डायरेक्ट पाइप को जा रहा है, अगर वो बीच में से कट गया वहाँ पे दो डी जॉइंट लगाने पड़ते हैं, बीच में से कम 6 इंच या 1 फुट का हिस्सा निकाल के। लेकिन हम अब लोग आपको डी जॉइंट लगाने के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए सिर्फ हम लोग एक डी जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और वो आपको हम लोग आगे की वीडियो में लगाना सिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने एक 3 इंची का डी जॉइंट लिया है। दोस्तों सबसे पहले इसको लगाने के लिए दोस्तों हम लोग जो इसके 4 स्क्रू हैं या जिनको हम लोग नट बोलते हैं दोस्तों, उनको हम लोगों को एक एक करके खोलना पड़ेगा और उन नटों को हम लोग एक साइड रख लेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग डी जॉइंट को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर लें। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल दोस्तों आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा और हमारी नई नई वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, डी जॉइंट को हमने खोल लिया और इसमें दोस्तों 5 चीज़ें होती हैं। ये दो रबड़ रिंग, दो साइड के कॉर्नर जो इनको हम लोग टाइट टाइट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पाइप हमने बीच में से काट लिया। अब हम लोग इसमें डी जॉइंट लगाने के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो इसके डी जॉइंट के साइड कवर हैं दोनों, ये दोस्तों दोनों ही हमें एक एक करके दोनों साइड पाइप में लगाने पड़ेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही हमें जो इसकी रबड़ है, एक एक रबड़ को दोनों साइड रबड़ को भी हमें पाइप के साथ ही घुसा देना है। और इसी तरह दोस्तों हमें दूसरी साइड भी डी जॉइंट का जो कवर है उसको लगा देना है, और जो इसका रबड़ रिंग है दोस्तों उसको भी हमें पाइप के साथ ही लगा देना है। और अब दोस्तों जो इसका सेंटर रिंग है दोस्तों, उसको जॉइंट के ऊपर रख के दोस्तों हमें पहले मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि जो इसका रिंग है दोस्तों वो ज़्यादा एक साइड या दूसरी साइड कम ज़्यादा ना हो, इसीलिए हम लोगों को मार्किंग कर लेनी है। और डी जॉइंट के जो सेंटर का कवर है उसको दोस्तों उन्हीं मार्किंग के बरोबर हमें करके दोनों तरफ के जो रिंग हैं उन दोनों रिंगों को दोस्तों एक एक करके इस सेंटर कपलिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, उसके साथ लगा देना है। और जो दोस्तों इसके बाद इसके दोनों साइड कवर हैं उनको भी हमें अच्छी तरह से इसके साथ लगा देना है, और इसके जो चारों नट हैं दोस्तों एक एक करके हमें अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को आप दोस्तों यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ये देखिए दोस्तों, हमने एक नट लगा दिया है और दूसरा नट भी हम लोग इसी तरह घुमा के लगा देंगे दोस्तों। इसी तरह दोस्तों एक बार हाथ से चारों नट अच्छी तरह से हम लोगों को लगा देने हैं। और ये देखिए दोस्तों, दो नट हमने लगा दिए, तीसरा भी हम लोग नट को दोस्तों अच्छी तरह से लगा देंगे। एक एक करके दोस्तों हम लोग इसके चारों नटों को
पाइप पे लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग चाबी की मदद से इन चारों नटों को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, और जो अपने पाइप में दोस्तों कट लगा था वो जॉइंट अपना दोस्तों अच्छी तरह से लीकेज प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 2 इंची, 3 इंची, 4 इंच, 5 इंची, 6 इंची, जितनी भी तरह के दोस्तों पीवीसी ड्रेनेज पाइप आते हैं दोस्तों, सभी में डी जॉइंट आता है दोस्तों। जहाँ पे हम लोग दोस्तों कोई सॉकेट या एल्बो या टी नहीं लगा सकते दोस्तों, वहाँ पे हम लोग इस तरह, ये दोस्तों हमने आपको एक सैंपल के तौर पे डी जॉइंट लगाना दिखाया है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको ऐसी समस्या आए वहाँ पे आप दोस्तों इस तरह के 2 डी जॉइंट लगा सकते हैं, और अपने घर में खुद से आप लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। गुरी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और हम लोग आगे ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों।